हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। एंड आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओएम को सेल्फ स्टडी से कैसे पढ़ा जा सकता है। जी हां, सेल्फ स्टडी पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है हमें। सेल्फ स्टडी करके एंड आई एम श्योर 70+ ओएम में आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली। सर बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सिर्फ फोकस करना है कि पढ़ना किस तरीके से है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं सर, ओएम में ना टोटल क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ। अब जाकर देख लीजिए स्टडी नोट नंबर पूरा का पूरा, ठीक है, 97 है। 97 क्वेश्चन है, 97 न्यूमेरिकल्स हैं सिर्फ ओएम में। 97 इट मीन्स अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना, 10 क्वेश्चन कर लेते हैं एक घंटे में, ठीक है, चलो 5 कर लिए तो मैक्सिमम मैक्सिमम 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और डेफिनेटली क्वेश्चन आप जाकर देखिए, एनालाइज कीजिए क्वेश्चन पेपर को। मैंने ओएम की जितनी वीडियोज़ हो रखी हैं, स्टडी नोट नंबर 3, 4, 5 जो भी हैं आपकी, मैंने डाल रखी हैं। आप जाके वीडियोज़ देखिए किस तरीके से मैंने समझा रखे हैं। ठीक है, नहीं समझ में आता, कोई क्वेरी होती है आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, जाकर देखिए ओएम की वीडियोज़, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, फ्री में कोई कुछ नहीं देता है, और मैंने यहाँ पर ओएम की सारी वीडियोज़ डाल रखी हैं। ठीक, तो 97 क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, 97 न्यूमेरिकल्स हैं, जाके सॉल्व कीजिए। अगर इतना ही गट्स है आप में तो फिर जाकर सॉल्व कीजिए 97 क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको करना कैसे है, पढ़ना कैसे है। सबसे पहले आपको पढ़ना है थ्योरी की मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा, अभी बताऊँगा किस तरीके से। स्टडी नोट देखना है आपको, स्टडी नोट किस तरीके से पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी नोट की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले जाइए आप स्टडी नोट नंबर 7 पर। ठीक है, स्टडी नोट नंबर 7 नहीं जाते हैं, छोड़िए, स्टडी नोट नंबर 7 नहीं करते हैं अभी। सबसे पहले हम जाते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग। ठीक है, स्टडी नोट नंबर 4, जी स्टडी नोट नंबर 4 पर जाइए। देखिए फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूला, ये बात ध्यान रखना, सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, हो जाएगा असाइनमेंट आसानी से। ठीक है, अगर सुनो, अगर एक बात और मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, अब यहाँ पर भी आप कट कर दीजिए, स्टडी नोट नंबर करना नहीं है सबसे पहले, चलिए छोड़िए। सबसे पहले आप करो ये स्टडी नोट नंबर 2। ठीक है, स्टडी नोट नंबर 2 कीजिए आप जाकर। डिमांड फोरकास्टिंग है, कैपेसिटी प्लानिंग है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है, EBQ है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है इसमें। ठीक, बहुत ज़्यादा इजी है, जाकर स्टडी नोट नंबर 2 करिए। सबसे पहले स्टडी नोट नंबर, अब डायरी में आप लिख लीजिए सबसे पहले, या नोटबुक में स्टडी नोट नंबर 2 करना है आपको। ठीक है, स्टडी नोट नंबर 2 के बाद डायरेक्ट जाइए सबसे लास्ट में स्टडी नोट नंबर 7। स्टडी नोट नंबर 7 के सारे न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं, ये बात ध्यान रखिए मेरी बात को। सबसे पहले 97 न्यूमेरिकल्स को ख़त्म करिए। ठीक, हो गया। स्टडी नोट नंबर 7 के बाद, स्टडी नोट नंबर 7 के बाद जाइए स्टडी नोट नंबर 6। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से मेरी वीडियोस भी हैं, जाकर वीडियोस भी देखिए। ठीक है, आ जाएगा सब कुछ समझ में। स्टडी नोट नंबर 6 के बाद जाइए आप स्टडी नोट नंबर 5 पर। ठीक है, स्टडी नोट नंबर 5 हो गया, बहुत ही ज़्यादा ईजी कॉन्सेप्ट है, बस फॉर्मूले हैं और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लॉजिकल क्वेश्चन है, हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजिली। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ मैं इस बात को। ठीक, फिर जाइए स्टडी नोट नंबर 4 पर। स्टडी नोट नंबर थोड़ा बड़ा है, स्टडी नोट नंबर 4, बट आप स्टडी नोट नंबर 4 पर जाइए उसके बाद। ठीक है, समझ में आ जाएगा, करते रहेंगे आप, फ्लो बन जाएगा, एक बार तो अच्छे से हो जाएगा। अब बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। ठीक है, और फिर लास्ट आइए आप, थ्योरेटिकल है पूरा पोर्शन, स्टडी नोट नंबर 1 और स्टडी नोट नंबर 3। तो मुश्किल से 20-30 पेज के होंगे आपके, 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, स्टडी नोट नंबर 2 और 3 पढ़ने बैठते हैं तो 3 घंटे में दोनों ख़त्म। अगर ट्रस्ट नहीं आता तो आप एक बार ट्राई कर देख सकते हैं सर, सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ही जो एक सेल्फ स्टडी वाला स्टूडेंट होता है ना, वही आपको बता सकता है कि किस तरीके से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक, और किस तरीके से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखिए, ट्रस्ट करिए मुझ पर थोड़ा, और अपने आप पर भी बिलीव करिए थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद जी हो गया हमारा स्टडी नंबर 1, 2, 3, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, और 7 भी हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा ओएम पूरा। न्यूमेरिकल्स जस्ट करने के बाद ही आप तुरंत उठाइए क्या थ्योरी,
अब मैं बोल रहा हूँ आपको 97 क्वेश्चन करने के बाद थ्योरी उठाइए, ठीक है? थ्योरी पढ़ लीजिए ओएम की, बहुत ही ज़्यादा इजी है। पॉइंट्स बनाइए उसके, पॉइंट्स किस तरीके से, सर मैं बता रहा हूँ, बचपन की यानी कि 10th की और 12th की बातें याद करो कि किस तरीके से SST में पॉइंट 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 बनाकर लिखते थे। पॉइंट जो हेडिंग्स होती थी ना, पॉइंट्स का मतलब हेडिंग, ठीक है? वो हेडिंग तो लिखनी ही लिखनी है आपको, ये बात ध्यान रखिए, हेडिंग पता होनी चाहिए हर किसी में, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी आप जाकर पढ़िए, देखिए किस तरीके से है। नाउ SM पर सबसे पहला आपको यही करना है, आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि मिशन विजन एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स ये पता होना चाहिए, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर आप जिस तरीके से ये दिया हुआ है ना, उसी तरीके से पढ़ लो, इसी फ्लो में पढ़ लो आप। सिचुएशन एनालिसिस क्या होता है, स्वेट एनालिसिस क्या होता है, पोर्टफोलियो एनालिसिस, BCG, ट्रस्ट में इसी तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ कर आ जाएगा। देख लो आप जाकर लास्ट ईयर के पेपर्स भी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे स्टडी नोट नंबर 10। बस फिनिश्ड हो जाता है हमारा। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से पढ़ना है। तो जाइए और देर मत कीजिए, जाइए पढ़िए, ठीक है? और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जाके सब्सक्राइब कीजिए, ब्लैक और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपकमिंग वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा। और स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।